ये जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया के मामले में बड़े आलिम हैं और आखिरत के मामले में बड़े जाहिल हैं। ये तो बड़े, ये थोड़े दिन पहले ना एक ख़बर ने बड़ी गर्दश की कि एक पाकिस्तानी नज़ाद खातून है जिसको नोबल इनाम भी मिला है, तो उसने कहा है कि निकाह की क्या ज़रूरत है। वैसे दो बंदे अगर मिलकर रहना चाहें, माज़अल्लाह पार्टनर बन के ज़िंदगी गुजारना चाहें, तो कागज़ पे दस्तखत की क्या ज़रूरत है। और ये नोबल इनाम जिस जिस को मिलता है ना, तो ये ऐसे थोड़ी मिल जाता है। और काफिर जिसको बड़ी जल्दी पनाह देते हैं और पलकों पे बिठाते हैं, ये ऐसे मुफ्त में थोड़ा बिठा देते हैं। तुम लिबरल लोग माज़अल्लाह ताला दीन बेजारी ये कहते हो कि निकाह की क्या ज़रूरत है। तो निकाह की इंसानों को ज़रूरत होती है, जानवरों को नहीं होती। जानवर जिस कोने में जिस जगह चाहते हैं जो मर्ज़ी करते हैं, लेकिन जो इंसान होते हैं ना वो पहले निकाह करते हैं। और हुज़ूर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह किसी गैर का नहीं, निकाह तुम्हारे नबी का तरीका है, ये रसूल कायनात का तरीका है। तो याद रखें कि तुम दुनिया के मामलात में तो बड़े समझदार बनते हैं और तुम्हें बड़े बड़े इनाम मिलते हैं, तो आखिरत के मामले में जानबूझ के जाहिल बन जाते हो। तुम्हें सारी खबर है, लेकिन तुम्हारा कोई मखसूस एजेंडा है, तुम्हें जिन चीज़ों के इवज़ ख़रीदा गया है तुम वो पैसे पूरे करना चाहते हो, और तुम मुसलमान औरतों पर वो असर डालना चाहते हो कि शायद तुम्हारी वजह से इनकी चादरों पर माज़अल्लाह ताला तुम कोई और रिवाज इन्हें देने में कामयाब हो जाओ। ये हो नहीं सकता, इसलिए कि इस उम्मत की बेटियां और इस उम्मत की बहनें और इस उम्मत की औरतें वो जिंदा हैं तो सैयदा आयशा का नाम लेकर, और दुनिया से जाना चाहती हैं तो सैयदा फातिमा ज़हरा के कसीदे पढ़ते हुए जाना चाहती हैं। ये उनका मिजाज है, ये उनका